आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार भी करने वाले हैं। पीएम बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए रोड शो करने जा रहे हैं और इस रोड शो में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो होगा लंबा। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे जबलपुर में। पीएम मोदी शाम करीब 6 बजे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर में एक रोड शो करने वाले हैं और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर देगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना केवल ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है बल्कि इसी दौरे के साथ, इसी रोड शो के साथ वो एमपी में चुनावी बिगुल भी फूंकने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए अगर देखा जाए तो जबरदस्त तैयारियां की गई है। जबलपुर के भगत सिंह चौराहे से शुरू होगा ये रोड शो और उसके बाद ये पूरा जो रोड शो है ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक चल करके आगे छोटी लाइन तक जो है वहां पे खत्म होगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी पर सवार होंगे तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो आपको यहां दिख जाएंगे। कई चरणों में जो पुलिस है वो यहां पे लगातार फ्रिस्किंग कर रही है क्योंकि ये खुला इलाका है, एक रोड है जहां से ये पूरा रोड शो होकर के गुजरना है, तो सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त जो है फिलहाल वो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री एसपीजी प्रोटेक्टी है। तो क्योंकि एसपीजी की टीम भी लगातार यहां पे ना केवल दौरे कर रही है बल्कि एक एक जो कमियां हैं उसको भी यहां पे लगातार स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को बताया जा रहा है। पुलिस के जवान जो है वो भी अगर आप देखें तो करीब 3000 से ज्यादा जवान को, पुलिस के जवानों को और 20 आईपीएस अफसरों को तैनात किया गया है इस पूरे 1.5 किलोमीटर के रूट पर, जो लगातार यहां पे सुरक्षा के लिहाज से जब तक प्रधानमंत्री यहां से गुजर नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस 1.5 किलोमीटर के इस रूट पे प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे और यहां पर वो लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि 2 करोड़ रोजगार आपने देने की बात की थी, 1.3 करोड़ बच्चे बेरोजगार है, इसके लिए दोषी कौन है? आपने मोदी गारंटी पर 2700 गेहूं के दाम और 3100 धान के दाम समर्थन मूल्य की बात की थी, आज तक पूरे नहीं हुए, इसके लिए दोषी कौन है? आपको प्रदेश में जब चुनाव हुए तो लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी के चेहरे को और लाडली बहना के वादे को, आपने मुख्यमंत्री बना दिया पर्ची का, जो योग्यता के आधार के पैमाने पे खरे नहीं उतरते हैं। सवाल एक और है प्रधानमंत्री से कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, बलात्कार और उनके मत के पैसे का उपयोग नहीं होता है, एसटी एससी ओबीसी के बैकलॉग पद क्यों नहीं भरे गए, इसके लिए दोषी कौन है?